तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग अपने लैपटॉप को अपडेट करते हैं तो आपके लैपटॉप में क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 चीजें बताऊंगा। आप जब भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को अपडेट करते हैं तो ये 5 चीजें आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। और मान लीजिए कि आपके पास अगर लाइनेक्स वाला लैपटॉप है तो उसमें आप इसी चीज को अपने उस लाइनेक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मैकबुक है यानी कि iOS वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसी चीज को आप उस वाले लैपटॉप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में विंडोज लैपटॉप के बारे में बात कर रहा हूं। यदि आपके लैपटॉप में विंडोज 7 से लेकर विंडोज 11 तक का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप लोग अपने लैपटॉप को अपडेट करते हो तो उससे क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा होता है दोस्तों कि आपके लैपटॉप की स्पीड पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है कई सर विंडोज को लगातार जो है वहां पर डेवलपर बैठे हुए हैं, उसको अलग से डेवलप करते रहते हैं, उसको और स्मूथ बनाने की करते हैं, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तब वे नया अपडेट लॉन्च करते हैं विंडोज का। और दोस्तों अगर आप लोग अपने लैपटॉप को अपडेट करके रखते हैं तो इसमें कोई सर नहीं है कि आपके लैपटॉप की स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यदि आप लोग अपने लैपटॉप को अपडेट करते रहते हैं तो दोस्तों आपके लैपटॉप में जो दूसरा फायदा होता है ये है कि आपके लैपटॉप की सिक्योरिटी बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और हर एक लैपटॉप यूजर्स के लिए, हर एक पीसी यूजर्स के लिए। क्योंकि आजकल के समय में हर काम ऑनलाइन होता जा रहा है और ऑनलाइन में दोस्तों सिक्योरिटी की जरूरत रहती है कि कहीं से भी ऑनलाइन से कहीं से भी आपके पीसी में जो है कोई आपके डाटा को हैक ना कर सके, कोई आपके मतलब जो भी जानकारी है उसको चुरा ना ले। तो ऐसे दोस्तों अगर आप लोग अपने लैपटॉप में विंडोज को अपडेट करते रहते हैं तो दोस्तों आपका लैपटॉप में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों तीसरा जो फायदा ये होता है जब आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज को अपडेट करते हो तो होता क्या है दोस्तों कि आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में दोस्तों कोई अगर बग हो तो वो भी सॉल्व हो जाती है। एक्चुअली दोस्तों ये जो बग होता है ये आपके लैपटॉप में नहीं बल्कि आपके लैपटॉप में जो इंस्टॉल्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है उसमें आ जाता है, किसी भी जगह से आ सकता है। तो दोस्तों उसको दूर करते हैं विंडोज के डेवलपर, और जब ऐसा कुछ हो जाता है वो कामयाब हो जाते हैं तो वे लोग अपने विंडोज का लेटेस्ट जो है अपडेट लॉन्च कर देते हैं और आपके पीसी में विंडोज का लेटेस्ट नोटिफिकेशन का अपडेट आ जाता है दोस्तों। जिससे दोस्तों अगर आप लोग अपने लैपटॉप को अपडेट कर लेते हैं तो दोस्तों इससे होता है कि आपके लैपटॉप में जो भी थोड़ा बहुत बग की वजह से प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन हो जाता है। चौथा सबसे बढ़िया बेनिफिट है दोस्तों, यदि आप लोग अपने पीसी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को अपडेट करते हो तो आपको लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं। आप देखते होंगे कई सारे लेटेस्ट फीचर्स आते रहते हैं मार्केट में, खासकर जब बात होती है सॉफ्टवेयर की, ऐप की, तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर न्यू सॉफ्टवेयर के साथ न्यू फीचर्स भी आते हैं जो पुराने उनके मॉडल है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अभी विंडो 10 तो अभी उसको छोड़ दिया गया है लेकिन विंडो 11 आ गया है तो इसमें नए फीचर्स थे, लेकिन जब विंडो 11 नहीं था तो विंडो 10 में न्यू फीचर्स अपडेट आता था। यानी कि जब आप अपने लैपटॉप को विंडोज अपडेट करते थे तो उसमें नया फीचर्स मिलता था। तो इस तरीके की अगर आप जो है नए नए फीचर्स चाहते हैं तो आपको अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को अपडेट करते रखना चाहिए। दोस्तों यदि आप लोग अपने लैपटॉप को अपडेट करते हैं तो पांचवा सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपके लैपटॉप में वायरस रहने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है दोस्तों। हाँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन विंडोज को और बेहतर बनाया जाता है और बेहतर बनाकर ही कोई न्यू अपडेट आपके लिए दिया जाता है ताकि उस जो हमेशा रेगुलर जो अपडेट आते रहते हैं आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज के, वो ज्यादातर जो है ऑप्शनल ड्राइवर अपडेट, इसके अलावा सिक्योरिटी अपडेट, ये सब मेन होते हैं कि आपके मतलब सिर्फ आपके लैपटॉप की बात नहीं है, यहाँ पर विंडोज के करोड़ों जो यूजर्स हैं उनके लैपटॉप कंप्यूटर पीसी का उनका ध्यान रखने की बात होती है। इसलिए ये चीज माइक्रोसॉफ्ट समझता है और समय समय पर सिक्योरिटी अपडेट विंडोज में देता रहता है। जिससे दोस्तों अगर आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को अपडेट करते हैं, अपने विंडोज को अपडेट करके रखते हैं तो दोस्तों इससे होता क्या है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वायरस को आने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। अगर समझ सकते हैं कि आपके लैपटॉप में या फिर जो कंप्यूटर है उसमें वायरस आने का जो दिक्कत है वो वायरस आएगा ही नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर वायरस होगा भी तो हो सकता है कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जब आप उसको अपडेट कर देंगे, अपना पीसी को लेटेस्ट विंडोज में इंस्टॉल कर देंगे तो जो वायरस होगा वो छूट जाएगा और आपके पीसी में लेटेस्ट जो ओएस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो कुछ 5 फायदे दोस्तों अगर आप लोग अपने कंप्यूटर या पीसी में विंडोज को अपडेट करते हैं। उम्मीद है आप लोग विंडोज समझ में आई होगी। इस तरह वीडियो के लिए रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बस इतना ही।